नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्ट एंड टैरो। तो आज हम बात करेंगे एक अनदर कार्ड, एस ऑफ पेंटिकल्स। तो लास्ट कार्ड जो हमने डिस्कस करा था वो एस ऑफ कप्स था, और ये अब जो हम कार्ड डिस्कस करेंगे वो है एस ऑफ पेंटिकल्स। तो एस ऑफ पेंटिकल्स के सिंबोलिज्म में जाते हैं। सबसे पहले तो ये समझ लें कि जब भी एस ऑफ पेंटिकल्स आता है, एस ऑफ पेंटिकल्स स्टैंड करता है मनी के लिए, सिक्योरिटी के लिए, स्टेबिलिटी के लिए, ब्लेसिंग के लिए। तो जब भी ये आपको कार्ड मिल रहा है, आपको ये मैसेज मिल रहा है, आपको ये इंफॉर्मेशन मिल रही है कि इट्स अ पॉजिटिव टाइम फॉर यू। तो इसके सिंबोलिज्म में जाएंगे तो हम देखते हैं कि अनदर एक हार्ट जो है क्लाउड से बाहर आ रहा है, जो कि सिंबलाइज करता है, आप इसको कह लीजिए एक सपोर्ट ऑफ एंजल, सपोर्ट ऑफ गॉड्स, कि आपको, और उसके हाथ में जो है एक पेंटिकल शेप का कॉइन है। थोड़ा इस सिंबल को समझेंगे तो ये पेंटिकल जो है सिंबल है फाइव एलिमेंट्स का, फाइव सेंसेस का जो हमारे अंदर हैं, और जो इसके आसपास जो सर्कल है वो स्टैंड करता है इन्फिनिटी के लिए। मीन्स द साइकिल ऑफ लाइफ इज कनेक्टेड विद द फाइव एलिमेंट्स, द फाइव सेंसेस ऑफ आर लाइफ। इसके कलर्स में जाएंगे तो आप देखेंगे कि वाइट हैंड है तो वो इसको हम सिंबलाइज करते हैं द हैंड ऑफ प्योरिटी, हैंड ऑफ द एंजल। पीछे हम देखते हैं एक येलो बैकग्राउंड है, येलो विच स्टैंड फॉर वाइटलिटी, क्रिएटिविटी, लाइफ इन इटसेल्फ। एंड नीचे हम देखते हैं कि गार्डन भी है, गार्डन स्टैंड करता है आपकी फ्लावरिंग के लिए, एबंडेंस के लिए। मीन्स देयर इज सो मच विच हैज़ बीन गिवन टू यू। और हम देखते हैं कि गार्डन के थ्रू एक रास्ता निकल रहा है, और आप गार्डन एक वो जो ओवल शेप का जो आप देख रहे हैं रास्ता, उसके थ्रू हमें दिख रहा है माउंटेंस। तो मोटा मोटा लेसन जो इसके अंदर आता है वो ये कि द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट यू हैव टू लिव योर लाइफ इन ऑर्डर टू एंटर इन टू द रियल्स ऑफ स्पिरिचुअलिटी, कि सबसे पहले आपको अपना फिजिकल लाइफ जो अर्थ ने आपको दिया है उसको जिए बिना आप स्पिरिचुअल नहीं हो पाएंगे। अनलेस एंटिल यू हैव लिव्ड योर बॉडी एंड माइंड यू वॉन्ट बी एबल टू लिव द स्पिरिचुअलिटी। माउंटेंस जो है वो ये सिग्निफाई करते हैं, माउंटेंस सिग्निफाई स्पिरिचुअलिटी। सो दिस इज़ वॉट इट इज़ सेइंग कि जब आप अपना लाइफ अच्छे से जी लेते हैं, जब अपना लाइफ का सर्कल पूरा कंप्लीट कर लेते हैं, देर इज़ नो अदर ऑप्शन बट टू स्टेप इन टू द रियल ऑफ स्पिरिचुअलिज्म। वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट लेसन्स ऑफ एस ऑफ पेंटिकल्स इज दैट लाइफ गिव्स यू मैनी गिफ्ट्स, दिस अर्थ गिव्स यू मैनी थिंग्स, यू नो इट गिव्स यू मैनी गिफ्ट्स, एंड इट्स इम्पॉर्टेंट यू लिव देम ऑल, डोंट abandon them, don't just leave them like that. These things are need to be lived to know more about your own self. So ace of pentacles in conclusion hame ye baat karta hai ki it's a card of positivity, it's a card of yes. So whenever jab bhi aapko card milega to ye card aapko batata hai ki it's a yes card, jiska answer yes hai, ki jo aap kuch mang rahe hain wo aapko एक गिफ्ट की तरह दिया जा रहा है। सो एस अगेन जो है इट्स नंबर वन कार्ड, एंड वन स्टैंड फॉर द अल्टीमेट, द गॉड हिमसेल्फ। सो इट इज द पावर ऑफ द वन विच इज सिग्निफाइड हियर। तो एस ऑफ पेंटिकल्स की रीडिंग ये थी आज की, होप यू लाइक्ड इट, एंड I'll see you in my next one. Namaste.